अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 1 से 1.5 मिनट में कवर करूंगा इंशाल्लाह। आपको बताना ये था कि अक्सर लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई हम फिंचिस की जो मटकियाँ हैं वो कब लगाएं। तो मेरे ये तमाम पेयर रेस्ट पे थे, मैंने माशाल्लाह वन बाय वन सबको लगा दिया है। रात का टाइम है, रिजल्ट कुछ इसी तरह का आ रहा है, तो काइंडली माजरत के साथ बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो अभी मटकियां लगाने का बेस्ट टाइम आ चुका है फिंचिस की, क्योंकि अगर हम अभी लगाते हैं तो इंशाल्लाह ये 5-7-10 दिन में लेइंग स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर की स्टार्ट में आपकी लेइंग आ चुकी होगी, जो कि बड़ा आइडियल टाइम होगा आपके बर्ड्स के लिए। लेकिन वो लोग लगाएं जिन्होंने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड वगैरह यूज़ ऑलरेडी करवा रहे हैं। जो नहीं करवा रहे थे, अपने बर्ड्स को एग फूड यूज़ करवाएं पहले 1 हफ्ता तकरीबन, उसके बाद मटकियाँ इंस्टॉल कर लें। मैंने ये देखें, ये तमाम मटकियाँ मेरी आ चुकी हुई हैं और मैंने सब में लगाने का तरीका ये होता है, कोपेक्स पाउडर डालें आप इसमें, सब में मैंने डाला हुआ है, ये देखें आप, ठीक है। कोपेक्स पाउडर डालने के बाद ये घास पड़ा हुआ है, आप एक एक मटकी लगाते जाएं। जिस तरह मैंने ये लगा दी है, ये लगा दी है, तीसरी मटकी रखी तो मुझे याद आएगा यार वीडियो बनानी चाहिए। ये मटकी मैंने रखी हुई है, ये लगाता हूँ और इसके बाद में इतना इतना घास लेके, ये इतना इतना घास मैं हर खाने में डालता रहूँगा इंशाल्लाह। ये बहुत जल्दी नेस्टिंग कर लेंगे और अंडों पर आ जाएंगे। सो आपको जस्ट गाइड करना था और बताना था कि भाई टाइम आ चुका है और अपने बर्ड्स को आप नेस्टिंग दे दें, मटकियाँ लगा दें, ठीक है। इंशाल्लाह उनके जो ब्रीडिंग है उनकी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।